हेलो नमस्ते। आप या आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को बॉडी में चर्बी की गांठ हो उसे मेडिकल लैंग्वेज में लाइकोमा कहते हैं। लाइकोमा क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे, लाइकोमा के लक्षण क्या है इसके बारे में जानेंगे, और लाइकोमा का कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे, और लाइकोमा का इलाज कैसे कुछ ही दिनों में कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, या लाइकोमा के गांठ को कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शरीर में किसी पार्ट पे लाइकोमा के गांठ या चर्बी की गांठ हो सकती है। इसे हम कई बार कई लोग जो नहीं समझ पाते वो उसे ट्यूमर भी बोल देते हैं या कैंसर के गांठे ही बोल सकते हैं। बट 90% गांठे या 80% गांठे लाइकोमा होती है, जिसे बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लाइकोमा क्या है इसके बारे में जानते हैं। लाइकोमा हमारे किसी बॉडी पार्ट में हो सकता है। ये चर्बी के या फैट के वसा के कारण होता है। ये धीरे धीरे उस बॉडी पार्ट में ग्रोथ होता है और गांठ जैसा बन जाता है, इसे ही लाइकोमा कहते हैं। चर्बी की गांठ के लक्षणों के बारे में जानते हैं। लाइकोमा सिम्टम्स। लाइकोमा जिस बॉडी पार्ट में हो रहा है उस बॉडी पार्ट में धीरे धीरे वहाँ के मसल डेवलप होना चालू हो जाएंगे, या आसपास के फैट वहाँ पे इकट्ठा स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, और वहाँ का गांठ धीरे धीरे डेवलप होगा या अनवांटेड पार्ट से ग्रोथ होगा, और वहाँ का गांठ कभी भी दर्द नहीं होगा, बस वो ग्रोथ होते रहेगा धीरे धीरे, और उस गांठ के आसपास रेडनेस देखने को मिल सकती है। ये है लाइकोमा के कॉमन सिम्टम्स। लाइकोमा डिसीज का ट्रीटमेंट 3 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट है एलोपैथिक मेडिसिन का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करके उस गांठ को डिसॉल्व किया जाता है और ऑटोमेटिक को ठीक कर दिया जाता है। सेकेंड है, और एक होता है जिसे हम नॉर्मल सर्जरी बोलते हैं। जैसे कि जिस बॉडी पार्ट में ट्यूमर जैसा गांठ है उस गांठ को हल्की से कट करके उस बॉडी पार्ट को निकाला जाता है। थर्ड है डिफरेंट टाइप के एलोपैथिक मलहम या कई प्रकार के जो लेप होते हैं उसके द्वारा भी उस गांठ को रिमूव किया जाता है या उस गांठ को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लाइपोमा के गांठ को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानते हैं। यदि आपको गैंग्लियन सिस्ट है तो डॉक्टर उस जगह के ऊपर एक चीरा लगा सकते हैं। ये द्रव से भरी थैली या ज्यादातर हानि रहित होती है और आमतौर पर जोड़ों के ऊपर बनती है। वे एक धागे जैसे ऊतक का उपयोग करके जोड़ों से जुड़ी रहती है, जिसे डंठल कहा जाता है। उन्हें निकालने के लिए डॉक्टर सावधानी पूर्वक डंठल को काट देते हैं, फिर सिस्ट को जोड़ से बाहर निकाल दिया जाता है और चीरा बंद कर दिया जाता है। अब आपको लाइपोमा डिसीज के संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। लाइपोमा क्या है इसके बारे में पता है, लाइपोमा के कारण क्या है इसके पता है, और लाइपोमा के सिम्टम्स भी पता है। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।